पठानकोट के शहर पे रहने वाला हूँ। मैं थोड़े दिन पहले, 2 महीनों की बात है, मैं धर्मशाला गया था, मेरा एग्जाम था धर्मशाला में, इस कारण मैं धर्मशाला गया था एग्जाम देने। और एग्जाम वाले दिन, जिस दिन एग्जाम हुआ दिन रात को मेरा एक्सीडेंट हो गया था वहाँ पे, और बहुत ही गंभीर चोटें आई मेरे स्पाइनल में, चोट आई मेरे सिर पे, चोट आई। तो उसके बाद मुझे रेफर कर दिया गया हॉस्पिटल में, वहाँ के जो लोकल हॉस्पिटल था, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहाँ पे रेफर कर दिया गया। पर हमारे कुछ रिलेटिव थे जो मतलब जॉब करते थे अमनदीप में, उन्होंने हमें बताया कि अमनदीप में बहुत अच्छे डॉक्टर आ रखे हैं जो मतलब काफी अच्छा ट्रीटमेंट कर देंगे आपका। तो हम फिर अमनदीप में आए, अमनदीप में आके मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ, मेरा MIR वगैरह हुई, मेरा मतलब पता चला कि क्या क्या प्रॉब्लम है। फिर मेरा स्पाइनल का जो प्रॉब्लम था, स्पाइनल के कॉर्ड का वो हुआ, क्या बोलते हैं, ऑपरेशन हुआ, सर्जरी हुई उस चीज की। देन उसके बाद सर्जरी के बाद मुझे काफी दिन तक वहां पे रहा हूँ, पर सर्जरी के बाद मैं एकदम प्रॉपर ठीक हूँ, चल फिर सकता हूँ आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब बस ये है कि जो स्टिफनेस है थोड़ी बहुत, वो टाइम से डॉक्टर ने बताया कि वो टाइम के हिसाब से ठीक हो जाती है। और जो डॉक्टर उदय सिंह रसवान थे, उन्होंने बहुत अच्छा ट्रीट किया मुझे, बहुत अच्छा गाइड किया मुझे, उनसे अच्छा सा कोई गाइड कर भी नहीं पाता जिस सिचुएशन में मैं था। सो मैं तो यही कहूंगा कि स्पाइनल एक ऐसी चीज है जिसमें मतलब सब डरते हैं कि कोई ऐसी बात ना हो जाए जिससे वो आगे से चल फिर ना पाए, कुछ खा पी ना पाए, पर ऐसा कुछ नहीं है। स्पाइनल का ऑपरेशन करवाओ, अच्छे डॉक्टर से करवाओ, अच्छे कंसल्टेंट से मिलो, वो आपको अच्छा कंसल्ट करेंगे और आप उससे अपनी सर्जरी में कम्प्लीट हो सकते हैं। थैंक यू। नमस्कार, ये सुमित, ये हमारा पेशेंट जो हमारे पास हेड इंजरी और स्पाइन इंजरी के साथ आया था। शुरू में तो इसकी हेड इंजरी को हमने कंजर्वेटिवली मैनेज किया, एंड 5-6 दिन के बाद हमने स्पाइन का ऑपरेशन किया जिसमें हमने स्पाइन की फिक्सेशन की थी फॉर एज वर्टिब्रल फ्रैक्चर। और स्पाइन ऑपरेशन होने के 5-7 दिन के बाद ही सुमित ने चलना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे इसकी जो चलने की चाल थी उसमें सुधार भी आ गया, जो इसकी टांगों में थोड़ी कमजोरी थी उसमें भी सुधार हो गया। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्पाइन इंजरी में ये है कि पेशेंट हॉस्पिटल में कब रिपोर्ट करता है और उसकी MRI में कितना नुक्स है, उसकी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें कितनी चोट लगी है, ये भी बहुत मैटर करता है। सो सब चीजों को देखकर इस पेशेंट में, जिसमें स्पाइनल कॉर्ड इंजरी बहुत कम थी और मन का ही ज्यादा अंदर टूट गया था और नस में घुस गया था, तो ऑपरेशन से उसकी स्पाइन स्टेबलाइज करते हैं और नस में जो दबाव लगा होता है उसको हटाते हैं। तो अभी ये पेशेंट काफी अच्छा फील कर रहा है और अपने बलबूते पे अपने सारे कामकाज भी करना शुरू कर दिए हैं। तो हम चाहते हैं कि ऐसे कोई भी पेशेंट्स हो जिन्हें स्पाइन की चोट लगी हो या स्पाइन की डिस्क की प्रॉब्लम्स हो और वो अपना इलाज नहीं करा पा रहे हैं या उन्हें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रही है, तो वो जरूर अमनदीप हॉस्पिटल में न्यूरोसर्जरी से डिपार्टमेंट में कंसल्टेशन करें और अपना प्रॉपर इलाज करें।